हे एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम लोग एक सिंपल स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं फ्लटर से। और उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले बता दूं कि सारा सोर्स कोड, मतलब इस स्टॉप वॉच का सोर्स कोड मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो नहीं देखनी है एंड तक, तो कोई बात नहीं, जाओ सोर्स कोड उठाओ। और वैसे तो ईजी कोड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें फॉलो अलॉन्ग करना है और मैं यहाँ पे पूरा कोड एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ सब कुछ, तो हाँ एक्सप्लेनेशन देखनी है तो रुक सकते हो। बाकी अगर तुम्हें सिर्फ कोड से मतलब है स्टॉप वॉच के, तो हाँ लिंक है नीचे, जाओ कोड उठाओ और उसके साथ जो मर्जी करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक एम्प्टी फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा, डेस्कटॉप पे आऊँगा सीडी डेस्कटॉप करके, और फिर मैं लिखूँगा फ्लटर क्रिएट स्टॉप वॉच। तो इससे होगा ये फ्लटर हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बना देगा स्टॉप वॉच नाम से। तो एंटर मारता हूँ, ओके। तो ये आ गया हमारा स्टॉप वॉच प्रोजेक्ट, यहाँ पे फोल्डर बन चुका है, इसे बंद कर देते हैं। नाउ राइट क्लिक और ओपन विद कोड। और अगर ये ओपन विद कोड वाला ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी एस कोड ओपन करो खुद, ओके। यहाँ जाओ फाइल, ओपन फोल्डर, कंट्रोल के कंट्रोल ओ ये भी कर सकते हो, और फिर स्टॉप वॉच को ओपन कर दो। कूल, तो ये स्टॉप वॉच वाला प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो हाँ, और एक और बात, अगर ये वीडियो तुम ऐसे देख रहे हो कि एज अ बिगिनर, ठीक है, तो ये एज अ बिगिनर नहीं है, क्योंकि ये है ना, मैं तुम्हें बेसिक स्टफ नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर तुम्हें फ्लटर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो जाके पहले कोई और वीडियोज देख लो, थोड़ी ट्यूटोरियल्स वगैरह, और फिर उसके बाद तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम बिल्कुल ही स्ट्रेट बिगिनर्स हो तो शायद तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन हाँ हो सकता है तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, तो थोड़ा सा नॉलेज हो तो अच्छी बात। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट वाले फोल्डर में जाओ और सारा कोड कमेंट कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कहीं से कहीं तक भी। लेट्स क्लोज दिस नाउ। अब लाइब्रेरी में हमारी मेन फाइल है, ये मेन फाइल वही वाली गंदी सी ऐप है जिसके अंदर काउंटर होता है पहले से, जो जब भी फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले से यही आता है, ठीक है। तो इस सारे कोड को डिलीट कर देते हैं और एक पेजेस नाम से फोल्डर बना लेते हैं। अब इस पेजेस वाले फोल्डर में हमारे पेजेस होंगे, खैर हमारे स्टॉप वॉच में तो एक ही पेज होगा, होम पेज, उसके अंदर और पेजेस तो हो नहीं सकते। तो होम पेज, चलो जल्दी से एक होम पेज बना लेते हैं। तो इम्पोर्ट करूँगा मैं मटेरियल और फिर मैं एक स्टेटफुल विजेट बनाऊँगा, ठीक है। तो स्टेटफुल क्योंकि हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, तो स्टॉप वॉच में टाइमिंग चेंज होंगी और बहुत कुछ होगा, तो हाँ हमें यूआई रेंडर करना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए स्टेटफुल, हमने स्टेटलेस नहीं लिया, ठीक है। तो इसे अभी ऐसे रहने देते हैं। वापस आते हैं अपनी मेन फाइल में, यहाँ पे भी सेम मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं और फिर वॉइड मेन। अब ये जो वॉइड मेन होता है ये हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट होता है, ये सबको पता है। तो नीचे एक ऐप बना लेते हैं जल्दी से, स्टेट लेस बनाऊंगा ऐप, क्योंकि है ना ऐप हमारी डायनामिक नहीं होगी, यानी कि ऐप वाला जो विजेट है उसके अंदर तो कोई डेटा चेंज नहीं होगा ना, ना उसके अंदर कोई डेटा चेंज होगा, ना कोई लेआउट चेंज होगा। हाँ, ऐप्स के अंदर जो ऐप के अंदर जो पेजेस होंगे उसके अंदर होगा, तो इसलिए हमने होम पेज को स्टेट फुल बनाया है, लेकिन हमारी जो ऐप है, जो पेरेंट है, उसको स्टेट लेस, ठीक है। तो एस टी लेस, एंटर, ये बन गया। इसका नाम मैं लिख दूंगा माय ऐप और ये कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा देते हैं और होम पेज में भी ये वाला कंस्ट्रक्टर हटा दें। कूल, तो हमारे पास होम पेज है, मेन फाइल है, ये हमारी ऐप बन चुकी है यहाँ पे क्लास माय ऐप। और हमें यहाँ पे रिटर्न कंटेनर नहीं करना है, हमें यहाँ पे करना है रिटर्न एक मटेरियल ऐप, ठीक है। और जिसका होम पेज होगा, क्या हमारा होम पेज, ठीक है, जो हमने बनाया होम पेज, देखो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो चुका है वो। और अगर ऐसा ना हुआ हो, मतलब ये इंपोर्ट ना हुआ हो, यहाँ पे कोई एरर्स आ रही हो लाइक दिस, तो तुम इस पर क्लिक करो, इस साइड में बल्ब आता है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे बता देगा तुम्हें। और अगर ये भी ना हो तो तुम खुद इम्पोर्ट कर सकते हो, लिखो इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर, नो नॉट फ्लटर, स्टॉप वॉच स्लैश पेजेस स्लैश होम पेज, ओके। तो ऐसे इम्पोर्ट करने पे एरर चली जाएगी। अब वॉइड मेन हमारा एंट्री पॉइंट है, अब जब हमने उसे बताया ही नहीं कि हमारी एंट्री पॉइंट क्या है,
तो हमारी ऐप वर्क ही नहीं करेगी। तो वर्ल्ड मेन में रन ऐप, और यहाँ पे इसे ऐप बता दो कौन सी है, माय ऐप फुल। तो ये हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट, वो मेन के अंदर आएगा हमारा कोड, और फिर वो रन ऐप। अब माय ऐप कौन सी ऐप है, ये वाली ऐप, ओके। वो रिटर्न करेगा एक मटेरियल ऐप को जिसका होम पेज है, होम पेज, ठीक है। तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी मेन वाली फाइल में काम ख़त्म, इतना ही था बस। अब सारा काम हमारा होम पेज में बसता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम पेज में हम इस वक्त रिटर्न कर रहे हैं कंटेनर, ठीक है। पर हमें कंटेनर रिटर्न नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड रिटर्न करते हैं, और बॉडी सेफ एरिया ऑफ इट चाइल्ड सेंटर, अभी के लिए इतना छोड़ते हैं और ऐप को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना एम्यूलेटर ओपन कर लूँगा, तो अब ऐप को रन करते हैं, ठीक है। F5 से रन हो जाते हैं आप, या फिर ऊपर वाले बटन से, ओके। तो ऐप हमारी रन हो चुकी है, यहाँ पे बस एक ब्लैंक वाइट स्क्रीन मिली है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैफोल्ड यूज़ करा है। तो अभी इसमें कुछ नहीं, हम पूरा लेआउट बनाएंगे और उसके बाद पूरी कोडिंग भी करेंगे उसकी। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो डीबग का बैनर आ रहा है दीप सा, तो ये डीबग का बैनर बड़ा बुरा लगता है, तो इसलिए मेन फाइल में जाके मटेरियल ऐप के अंदर यहाँ पे हम करेंगे डीबग शो चेक मोड बैनर, ये वाला राइट हियर। सो क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे हम इसे फॉल्स कर सकते हैं। तो फॉल्स करने से वो बैनर यहाँ से चला जाएगा। एक बार रीलोड कर लेते हैं फुल। अब होम पेज, अब हमें सारा लेआउट बनाते हैं, मतलब सारा जो UI है हमारी स्टॉप वॉच का, सबसे पहले वो बना लेते हैं। तो यहाँ सेंटर के अंदर हमें चाहिए एक कॉलम, हाँ ठीक है, और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, के अंदर एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमें टेक्स्ट चाहिए ऑफ कोर्स, जो हमारा टाइम दिखाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे मिली सेकेंड्स, यहाँ पे आएंगे सेकेंड्स, और यहाँ पे मिनट्स, ठीक है। हम आर्स वगैरह नहीं ले रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, हम आर्स वगैरह नहीं ले रहे हैं इस वीडियो में, सिर्फ मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स और मिनट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट ऊपर। अब हमें इसे सेंटर अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टली तो हाँ वो सेंटर अलाइन है, बट वर्टिकली नहीं है। तो वर्टिकली करने के लिए कॉलम में जाओ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट को मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करो, ठीक है। तो हमारा सेंटर में आ चुका है टेक्स्ट, हम इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज कर देंगे, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, सबसे पहले 40 ठीक रहेगा, हाँ, और फॉन्ट वेट भी चेंज कर देते हैं, कूल। तो टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेंटर में है, बोल्ड है, बिग है, ठीक है। तो अब हमें एक सर्कल चाहिए इसके आसपास पूरा, ऐसा सर्कल जो कि ऑफ कोर्स प्रेसेबल होगा, कि हम उसी सर्कल पर टैप करेंगे तो ही हमारी स्टॉप वॉच चालू हो जाएगी, हमें अलग से कोई बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंटेनर में जाके बॉक्स की डेकोरेशन सेट करना शुरू करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। तो सबसे पहले हमें अपने बॉक्स पे एक बॉर्डर चाहिए, ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल, ऑल का मतलब ऑल साइड्स पे होगा, ठीक है। तो बॉर्डर डॉट ऑल, कलर हम दे देंगे कलर 0xff0395bb, ये इस टाइप का ब्लू कलर होता है ऑलमोस्ट, तुम जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, रेड, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी। विड में जाके थोड़ा सा विड भी ज़्यादा दे देते हैं, 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का बन चुका है। अब हमें एक्चुअली में रेक्टेंगल नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था एक सर्कल, राइट। तो इसे सर्कल बनाने के लिए ऊपर बॉक्स डेकोरेशन में शेप, और बॉक्स शेप डॉट सर्कल, तो ये सर्कल बन चुका है यहाँ पे। अब हमें करना है ये जो टेक्स्ट है ये इस कंटेनर के सेंटर अलाइंड होना चाहिए, राइट, मतलब जहाँ पे भी ये कंटेनर आएगा उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हमें चाहिए ये टेक्स्ट। कंटेनर में जाओ, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट को कर दो सेंटर, ओके। अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो सर्कल बहुत छोटा है, तो ये दिक्कत है। तो हम उसकी हाइट खुद चेंज कर सकते हैं, हाइट मैं 200 कर देता हूँ, थोड़ी कम है, 250 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एकदम सही लग रहा है, वो सर्कल हमारा बन चुका है।
उसके अंदर टाइम यानी कि जो टेक्स्ट है वो आ चुका है, अब हमें इसे प्रेसेबल बनाना है, ठीक है ना। मतलब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस पर टैप करें तो कुछ फंक्शन हो, और वो फंक्शन क्या होगा, हमारी स्टॉपवॉच स्टार्ट हो जाएगी या फिर अगर ऑलरेडी स्टार्टेड है तो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंटेनर को हम रैप करेंगे एक सेंटर विजेट से, ठीक है, और इस सेंटर को बदल देते हैं क्यूपर्टिनो बटन में, ठीक है। तो क्यूपर्टिनो बटन आ गया और हम इसके अंदर ऑन प्रेस यूज कर सकते हैं, और पैडिंग को जीरो कर देते हैं, तो इससे होगा ये सारे साइड का जो इनसेट्स होगा यानी कि सारी पैडिंग जीरो हो जाएगी, ओके। अब हमारे टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो गया इसकी वजह से, क्योंकि हमने क्यूपर्टिनो बटन यूज करा है यहाँ पे। तो नीचे टेक्स्ट में आओ, कलर कलर डॉट ब्लैक, ठीक है, हमने फिर से चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर मैं उसके ऊपर टैप करने की ट्राई करूँ, देखो तो अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो टैपेबल है। तो ये सब है इस क्यूपर्टिनो बटन की वजह से, ओके। तो अब हम उस पर टैप कर सकते हैं, ओके, वेरी गुड। नाउ अब इसके नीचे हमें एक रीसेट बटन भी चाहिए, यानी कि जब भी हम स्टॉपवॉच चलाएंगे तो मान लो एक टाइम पे जाने के बाद हम उसे स्टॉप कर देंगे, लेकिन फिर हमें मान लो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है यानी कि जीरो से, तो हमें एक रीसेट बटन भी चाहिए। तो सेम सीन वही यहाँ पे भी करना है, क्यूपर्टिनो बटन हम लेंगे ऑन प्रेस्ड, चाइल्ड में हम एक टेक्स्ट ले लेंगे जिसका नाम होगा रीसेट, और पैडिंग को कर देते हैं जीरो, ठीक है, और इसका स्टाइल चेंज करके उसको टेक्स्ट स्टाइल रेड कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा अलग ही दिखे वो, ऊपर से थोड़ा गैप दे देते हैं साइज बॉक्स से थोड़ा सा और, ठीक है। अभी फॉन्ट वेट बोलो नहीं बोल्ड, क्या कर क्या रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो हम इस पर टैप करेंगे तो हमारा स्टॉप वॉच रीसेट हो जाना चाहिए, हम यहाँ टैप करेंगे तो हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगा या फिर पॉज हो जाएगा, और यहाँ पर टैप करती है वो रीसेट हो जाएगा, कूल। तो ऊपर आते हैं, अब यहाँ हमारे इस क्लास के अंदर और बिल्ड के बाहर, हमेशा याद रखना जब भी तुम फंक्शन डिफाइन करो तो वो बिल्ड के बाहर हो लेकिन क्लास के अंदर हो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमें एक स्टॉप वॉच का इंस्टेंस बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें किसी पैकेज या फिर किसी भी अदर प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे फ्लटर में दिया गया स्टॉप वॉच API यूज़ कर सकते हो, ऑलरेडी इसमें दे रखा है सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए, स्टॉप वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो देखो नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड और ये वो, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। अब ये बेसिकली ये एरर है कि हमने स्टॉप वॉच को इनिशियलाइज तो करा लेकिन अभी वो बेसिकली नल है, ठीक है। हमने स्टॉप वॉच इनिशियलाइज करी बिना किसी वैल्यू के, ठीक है, तो इस बात का एरर है। अगर हम इसके आगे लेट लिख दें तो वो एरर चला जाएगा। इस लेट का मतलब है बेसिकली कि जैसे हमने स्टॉप वॉच इनिशियलाइज कर दिया है लेकिन हम उसे वैल्यू लेट देंगे, ठीक है ना, हम उसे वैल्यू बाद में देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेट लगा दिया, तो अब कोई एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक इनिट स्टेट ले लेते हैं, यानी कि जब भी हमारा ये होम पेज लोड होगा तब ये वाला फंक्शन रन होगा, और यहाँ पे हम उसे इनिशियलाइज कर लेंगे, ओके। स्टॉप वॉच कूल, ठीक है, तो हमने स्टॉप वॉच को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया इनिट स्टेट में। अब हमें दो फंक्शंस चाहिए, पहला जो कि हमारा स्टार्ट और स्टॉप हैंडल करेगा, ठीक है, और दूसरा जो कि हमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका टाइप है स्ट्रिंग, अभी के लिए ये रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अवॉइड हैंडल स्टार्ट स्टॉप का सबसे पहले काम खत्म कर देते हैं, अब हम स्टार्ट और स्टॉप कैसे हैंडल करेंगे अपनी स्टॉप वॉच का। तो हमने स्टॉप वॉच का इंस्टेंस बनाया, देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप वॉच नाम से, तो हम इसको एक्सेस करके उसे स्टार्ट स्टॉप रीसेट बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा इफ
इफ स्टॉपवॉच डॉट इज रनिंग, यानी कि अगर हमारी स्टॉपवॉच रनिंग में है, यानी कि वो ऑलरेडी रन हो चुकी है, तो हमें उसे स्टॉप कर देना है. ओके और अगर वो अभी रन नहीं हुई है तो हमें उसे स्टार्ट कर देना. ठीक है, सिंपल. तो ये सिंपल सा कोड. अब हम ये हैंडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना. तो हैंडल स्टार्ट स्टॉप और सेमी कॉलन, लो थोड़ा स्पेस बना देता हूँ. ओके तो ये हो गया. और अब ये टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट हमें ऐसे ही नहीं लिखे रहना, हमें चाहिए ये वाला टेक्स्ट, यानी कि जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा हमारा. तो वहाँ जाते हैं, इसे हटाते हैं और रिटर्न फॉर्मेटेड टेक्स्ट. अभी खाली आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न ही कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर रखी है. तो चलो इसे भी ठीक कर लेते हैं जल्दी से. तो अब होता क्या है, जो हमारी स्टॉप वॉच है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलैप्स्ड नाम से. ठीक है, इलैप्स्ड मतलब कि कितना टाइम हो चुका हमारी स्टॉप वॉच को रन हुए. तो उसके अंदर तुम आवर्स में, मिली सेकेंड्स में, सेकेंड्स में, जैसे चाहो वैसे अपनी वैल्यूज ले सकते हो. तो सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल एक मिली नाम से, और यहाँ लिखेंगे स्टॉप वॉच डॉट इलैप्स्ड डॉट इन मिली सेकेंड्स. ठीक है, तो हमने मिली के अंदर ये सारे मिली सेकेंड स्टोर कर लिए कि इतने मिली सेकेंड्स पास हो चुके हैं. इस पे ध्यान मत देना, ये एरर पे, ये सेव करने पे जाए. अगर मैं इसे रीलोड करूँगा तो तुम देखोगे वो चली जाएगी. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें. अब हमने वेरिएबल मिली के अंदर सारे मिली सेकेंड स्टोर कर लिए कि हमारे स्टॉप वॉच को रन हुए इतने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं. ठीक है, अब हमें लेनी है एक स्ट्रिंग मिली सेकेंड्स, यानी कि जो हमें आउटपुट देना है, ये वो वाले मिली सेकेंड्स जो हमें आउटपुट देना है. ये एक्चुअल मिली सेकेंड्स हैं जो पास हो चुके हैं, लेकिन ये आउटपुट वाले हैं जो हम एक्चुअली में दिखाएंगे. ठीक है, तो मिली सेकेंड्स होते हैं क्या है, मिली सेकेंड्स बेसिकली आएंगे इस फॉर्म में, यानी कि 1000 का मतलब एक सेकेंड, 2000 का मतलब दो सेकेंड, ठीक है, और 3000 का मतलब तीन सेकेंड. ठीक है, अब ये सब तो ठीक है. दिक्कत यहाँ पे ये आती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी क्या दिक्कत आएगी. अभी के लिए इसे हटाते हैं और मैं सीधे मिली को रिटर्न कर देता हूँ. ठीक है, तो देखना क्या दिक्कत आएगी. मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया. सी, अब तुम बोलोगे कि कुछ हुआ ही नहीं. एक्चुअली मैं हुआ सब कुछ है, हमारा पोर्ट पूरा रन किया है. अगर मैं यहाँ पे आके इसे सेव करूँ एक बार तो देखो 11,024 यानी कि 11,000 सेकेंड, यानी कि 11 सेकेंड्स पास हो चुके हैं. अगर मैं फिर से इसे सेव करूं तो देखो अब 18 सेकेंड हो चुके हैं, 21 सेकेंड, 23 सेकेंड, 24 सेकेंड, 26, 27, ठीक है ना. तो सेकेंड्स पास हो रहे हैं, हमारी हमारा स्टॉप वॉच अच्छे से चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो लेआउट है वो रीरेंडर नहीं हो रहा है. ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में लेआउट एक बार रेंडर हो गया वो वहीं की वहीं स्टक है, वो बार बार रिफ्रेश नहीं हो रहा है उसका लेआउट. तो लेआउट रिफ्रेश करने के लिए हमें एक टाइमर चाहिए. ठीक है, कि हम हर 30 मिली सेकेंड्स बाद, 40 मिली सेकेंड्स बाद, जब भी हम चाहें लेआउट को रिफ्रेश कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लेट टाइमर टी ले लेंगे. टी नाम से हमने एक टाइमर ले लिया और इनिट स्टेट में उसे इनिशियलाइज कर लेंगे. टी इज इक्वल टू टाइमर डॉट पीरियोडिक. अब पीरियोडिक टाइमर होता है जो एक गिवन ड्यूरेशन पे बार बार चलता है. ठीक है, जैसे हमने इधर से ये हटाया, ड्यूरेशन और मिली सेकेंड्स 30. तो होगा ये जो भी हम इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे वो हर 30 मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट स्टेट. अब सेट स्टेट सब जानते क्या करता है, वो लेआउट को रीरेंडर कर देता है. तो यानी कि हर 30 मिली सेकेंड में हमारा लेआउट रीरेंडर हो जाएगा. तो उसकी वजह से हमें बार बार सेव करके टाइम देखने की जरूरत नहीं है. रीलोड करते हैं 0. अब मैं इसे अगर प्ले करूँगा, यानी कि इस पर टैप करूँगा, तो देखो ठीक है, अब हमारी स्टॉप वॉच सही से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब देखो हुआ ये, अगर मैं इसे दिखाना चाहता हूँ एक टाइम में, जैसे कि ऐसे हमने करा, मान लो अभी 0 सेकेंड्स ले लेते हैं अभी के लिए कुछ भी. तो अब देखो 14,000 तक पहुंच गया. हम चाहते हैं कि वो 1000 तक जाए और फिर 0 से स्टार्ट करे, 1000 तक जाए फिर 0 से स्टार्ट करे, फिर 1000 फिर 0.
ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मिली सेकेंड्स 23,000 24,000 ऐसे तो 1,00,000 तक पहुंच जाएगा और ऐसे तो मतलब बॉक्स ही बाहर निकल जाएगा, तो रीसेट करना है और ऐसे ही आगे जाके हमें सेकेंड्स को भी रीसेट करना है ना। तो रीसेट करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इसे रीलोड कर लेते हैं, इसलिए हमने वो अलग से एक और लिया था स्ट्रिंग मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए मिली, ठीक है, परसेंट थाउजेंड। अब ये परसेंटेज साइन क्या करता है, ये बेसिकली इनका रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है जैसे कि मान लो मैंने मिली को थाउजेंड से डिवाइड करा, ठीक है, मान लो 1001 को परसेंटेज थाउजेंड करा मैंने, तो यानी कि थाउजेंड से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचा, थाउजेंड से डिवाइड करा तो थाउजेंड वन जा थाउजेंड और फिर रिमाइंडर वन बच गया लेकिन, ठीक है, तो बेसिकली उसका आउटपुट ये आएगा वन। और ऐसे ही अगर 1450 हो यहाँ पे और फिर मैं ऐसे करूँ इसे यानी कि परसेंटेज थाउजेंड, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 450 क्योंकि रिमाइंडर 450 बचा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसे जो है थाउजेंड से ऊपर जाने से रोक के रखेगा, ठीक है ना, तो हमेशा ये थाउजेंड तक जाएगा, फिर ये जीरो पे आ जाएगा, फिर थाउजेंड तक जाएगा, फिर जीरो पे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस मिली की जगह हम यहाँ मिली सेकेंड्स पे जाएंगे, ठीक है, रीलोड कर लेते हैं फिर से, ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ। अब देखना थाउजेंड जीरो, ठीक है, तो वो कह रहा है ये बार बार थाउजेंड तक जाता है, रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हमें मिली सेकेंड के साथ साथ अब हमें अगली चीज चाहिए सेकेंड्स, यानी कि जो सेकेंड वाली वैल्यू है, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग सेकेंड्स। अब हमें सेकेंड्स भी इसी मिली से निकालने हैं, तो मिली सेकेंड में मैंने तुम्हें बताया थाउजेंड मिली सेकेंड्स में एक सेकेंड होता है, ठीक है, तो अगर हम मिली सेकेंड्स को थाउजेंड से डिवाइड करें तो हमें सेकेंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिली डिवाइड बाय थाउजेंड टू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे उसे सेकेंड्स में डाल दो, तो रन करते हैं। अब देखो सेकेंड्स आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, वो है पॉइंट की, ये हमें सेकेंड्स पॉइंट में दिखा रहा, ठीक है, तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए थे सेकेंड्स, हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी, इंटीजर वैल्यूज चाहिए थी, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कुछ डिवाइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट डबल होता है, ठीक है, तो डबल के अंदर पॉइंट्स और सब कुछ डेसिमल वगैरह जो भी होता है सारे आ सकते हैं, तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए थी डिवाइड करने के बाद, तो उससे पहले हमें इस डिवाइड से पहले ये टेढ़ा मेढ़ा साइन लगाना है जो कि बिल्कुल टैब के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के तुम देख सकते हो, इसे कहते हैं शायद टिल्ड, इसे शायद टिल्ड कहते हैं, मैंने इसे नेट पे पढ़ा था कहीं, हाँ, तो ऐसे करना है, रीलोड करते हैं फिर से और अब वापस आके देखते हैं क्या सिस्टम। देखो अब पॉइंट्स में नहीं आ रहे हैं सेकंड, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो सब चल रहा है। अब तो हमें मिली सेकेंड्स मिल चुके हैं, सेकेंड्स मिल चुके हैं, हमें अब चाहिए मिनट्स, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सेम करना पड़ेगा, हमें सेकेंड्स चाहिए, मिनट से पहले तो सेकेंड्स ही लगेंगे हमें, तो मिली टिल्ड और थाउजेंड, तो ये सेकेंड्स हो गए। अब बेसिकली सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60, सिंपल, और इसे हम टू स्ट्रिंग कर देंगे और यहाँ पे डॉलर मिनट्स, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे वही दिक्कत आ रही है, 0.0 आ रहा है, तो यानी कि पॉइंट्स में आ रहा है वो, तो हमें फिर से यहाँ पे टिल्ड यूज़ करना पड़ेगा। देखो कहीं पे भी पॉइंट्स नहीं है, सब कुछ एकदम सही है। अब इसे प्ले करते हैं और तुम्हें मिलता हूँ मैं एक मिनट के बाद। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मिनट जैसे ही हुआ तो हमारे यहाँ पे मिनट वाला टाइमर तो बढ़ गया, लेकिन अभी भी सेकंड वाला बढ़ ही जा रहा है। हम चाहते थे कि वो 660 पे जाती रीसेट हो जाए, फिर से जीरो से स्टार्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, तो इसे स्टॉप करते हैं। अब
जैसे हमने यहाँ पे मिली सेकेंड्स को किया, हमने उसे रीसेट कर दिया परसेंटेज 1000 करके, ऐसे हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं रीसेट। एक और ब्रैकेट लगाते हैं और परसेंटेज 1000 की जगह हमें इसे परसेंट 60 करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड्स 60 के बाद रीसेट कर लें, ना कि 1000 के बाद। तो परसेंट 60, उससे वो 60 पे जाती रीसेट हो जाएगा। देखो वो 16 हो गया। अब फिर से अगर मैं देखूंगा जब 2 मिनट होने वाले होंगे तो ये 59 तक जाएगा, फिर 00 हो जाएगा। ओके, देख लो खुद ही। ठीक है, तो तुमने देखा वो 59 तक गया, रीसेट हो गया, हमारा मिनट्स बढ़ गए और वो रीसेट हो गया। तो फिर से रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा ना जो स्टॉपवॉच है काफ़ी ग्लिची सा लग रहा है। ग्लिची सा वो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी 0 है। ठीक है, तो 0 से वो 1000 तक जाते जाते 4 बार डिजिट्स चेंज कर रहा है, राइट? यानी कि वन डिजिट नंबर होता है सबसे पहले, तो जैसे 0 ही है तो 1, 2, 3, 4 तक 9 तक जाएगा, फिर 10 में 2 डिजिट्स आ गए, फिर 100 में 3 आ गए, फिर 1000 में 4 आ गए। तो उसकी वजह से बार बार स्ट्रिंग मूव कर रही है। और वैसे भी हम देखें तो ये बड़ा बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे हम सेकंड्स चाह रहे हैं तो सिर्फ 1, 2, 3 लिखा रहा है, हमें चाहिए था 0, 1, 0, 2, राइट? थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमें मिली सेकेंड्स को 3 पे फिक्स कर देना, यानी कि हमें 3 वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ आओ पैड लेफ्ट। अब पैड लेफ्ट क्या करता है, पैड लेफ्ट में तुम विड्थ दे सकते हो, जैसे कि मैंने सिर्फ 3 की विड्थ दे दी, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे सकते हो कि तुम्हें क्या ऐड करना है उसके पीछे, 0। तो यानी कि ये लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देगा अगर अगर ये स्ट्रिंग 3 से छोटी है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर 3 से कम है तो ये उसके बगल में 0 लगा देगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने पैड लेफ्ट किया है ऑफकोर्स। तो देखो अभी वो 0 था लेकिन तब भी 3 आ रहे हैं, राइट? तो अब इस केस में थोड़ी सी मूवमेंट कम होगी। अब यही सेम चीज़ हमें सेकेंड्स और मिनट्स पे भी कर देनी है। तो पैड लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह 2, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम ये 60 तक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2, और अगर 2 नहीं है तो हमें 0 ऐड कर देना। देखो सेकेंड में भी आ गया वो, और सेम इसमें पैड लेफ्ट 2, 0। देखो अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो देखना कितना स्मूथ चलेगा ये देखो, ठीक है? अब किसी तरह के कोई ग्लिचेस नहीं लग रहे, एकदम स्मूथ टाइम चेंज हो रहा है, हमारा मिली सेकेंड 1000 तक जाता है, रीसेट हो जाता है, हमारे सेकेंड 60 तक जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे, और फिर हमारे मिनट्स रीसेट नहीं होंगे। पहले बता दूँ, मिनट्स अगर चल रहे हैं तो वो चलते रहेंगे, क्योंकि हमने आवर्स यूज़ नहीं करा है तो हमें उसे रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनट्स जो है सीधा चलते रहेंगे, 120 मिनट्स और 150 मिनट्स, जितनी भी देर तक ये स्टॉप वॉच चलाओगे, ठीक है? तो ये सब हो गया, पॉज करते हैं। देखो अब मैं फिर से करूँगा तो वहीं से शुरू हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये रीसेट भी हो, तो इजी है, बहुत इजी है। नीचे आओ, ये रीसेट वाला बटन है, यहाँ पे ऑन प्रेस में लिख दो stopwatch.reset। हाँ, तो बस ये एक लाइन से stopwatch.reset हमारी स्टॉपवॉच रीसेट हो जाएगी। देखो मैं अगर फिर से रन करूँगा तो इसे चलने देते हैं 1 मिनट तक, थोड़ा सा ये भी देख लोगे तुम इसलिए कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा हमारा पैड। ओके, तो ठीक है, सब कुछ वर्क कर रहा है, हमारे मिली सेकेंड्स चल रहे हैं, सेकेंड्स चल रहे हैं, मिनट्स भी चल रहे हैं। स्टॉप करते हैं, अब मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो देखो हमारा टाइमर यानी कि हमारा स्टॉप वॉच फिर से 0-0 हो गया। ओके, तो हमने सक्सेसफुली ऐप बना ली। अब मैं फिर से इसे रन करूँगा तो देखो फिर से रन हो जाएगा, स्टॉप करूँगा, रीसेट करूँगा, तो सब कुछ वर्क कर रहा है। अब ये कोड को मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है, तो अगर तुम चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। मैंने अपना ट्राई करा कि मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो अगर तुम्हें किसी तरह के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे को DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohitsamriwal, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, यूट्यूब पे कमेंट करो, और चाहो तो ईमेल कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब बस पूछ लो मेरे से कुछ भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा हेल्प करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर कोड तुम्हें मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगी, और अगर तुम में से कोई 1-on-1 मुझसे सीखना चाहता हो, 1-on-1 यू नो ऐप डेवलपमेंट फ्लटर, तो तुम लोग उसके लिए भी मेरे को DM या फिर कमेंट में बता सकते हो।
मैं तुम्हें रीच आउट कर लूँगा, मैं तुमसे यू नो बात कर लूँगा, मैं खुद तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा। तो हाँ, सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।